शायरी का हम कायदा का आगाज करते हैं। एक शेर के साथ आगाज करूंगी। मुमकिन मुसाफा नहीं पर हैं तो रूबरू, एक आईने में आ गए दिन सिमट के आज। जब उर्दू को हम सेहतमंद क्वायद में लिखते हैं तो हमारी मियारी उर्दू होती है। जब उर्दू को हमारे शायर और अदीब इस्तेमाल करते हैं तो वो उर्दू अदब बन जाता है। और ये जो सारी दुनिया से मुंसलिक आशिकाने उर्दू हाजिर हैं, जब ये एक जगह मुज्तमा होते हैं तो उसको परबे अमेख्ता कहते हैं। परबे अमेख्ता आज अमेख्ता फाउंडेशन की जानिब से करवाया गया है। माशाल्लाह। हमारे मुशायरे की सदारत नहायत मोहतरम शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीलत बानो साहब करवाएंगी। मोहतरमा करते दायरा शुरू करने की इजाज़त दें। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। इजाज़त जी। शुक्रिया। मैं मोहतरमा डॉक्टर ज़ीलत साहब का तारुफ करवाना चाहूँगी। आप लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, मनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर हैं और सदरी शोबा उर्दू में बेशुमार अदबी अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। तारीफ़ी सनात भी मिल चुकी हैं इनको। बच्चों के अदब पर भी कहानियाँ लिखी हैं जो बेहद मकबूल हैं। उनका एक शेर है, फिर आज मिली मेरी नज़र उनकी नज़र से, फिर आज एहसास की सूली पे खड़ी हूँ मैं। मुशायरे की रवायत को मद्दे नजर रखते हुए नात के लिए जिन शायर को हमने कहा था वो किसी वजह से तशरीफ नहीं ला सके, तो हम डॉक्टर इसहाक साजिद साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें अपनी नात हमदिया नात से नवाजें। जी शुक्रिया। वैसे भी रबी उल का महीना शुरू हो रहा है तो ये सादत अगर मुझे मिल रही है तो मेरी खुशकिस्मती है, तो ठीक है। ये तो खुशकिस्मती की बात है। जी जी। तो मैं फिर तीन अशआर हमदे बारी ताला के और तीन ही नात के पेश कर देता हूँ। जी जरूर। मेरे आगे हमदे बारी ताला है। मोहतरमा सदर साहबा से इजाजत के साथ। जी जी। ऐ खुदाए पाक रब्बुल आलमीन, ऐ खुदाए पाक रब्बुल आलमीन, काल के अर्जो समा दुनिया दी, तू है बेशक अर्श आला का मकीन, बेशक बेशक तू है बेशक अर्श आला का मकीन, है यकीनन तू शे रग से करी, तेरा सानी और न हम सर कोई, तेरा सानी और न हम सर कोई कहीं, तेरे आगे हम झुकाते हैं जभी, है दुआ साजिद की है रब्बे करीम, रहम फरमा मिट न जाए हम कहीं, माशाल्लाह खुदाए पा। और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर। इब्तदायात हैं इंतहायात हैं, बेशक बेशक इब्तदायात हैं इंतहायात हैं, सैयद खातमुल
हम भी आप हैं, आपके कल्ब पर अर्श लौलाक है, आपके कल्ब पर अर्श लौलाक है, शान मेराज का माजरा आप हैं, इब्तिदा आप हैं। आपके आदल से पाए सबने अमां, आपके आदल से पाए सबने अमां, सिद्ध को इंसाफ में मावराया आप हैं, इब्तिदा आप हैं, इंतहा आप हैं। शुक्रिया बहुत खूब था जी, बहुत शुक्रिया। मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं और मुशायरे की रवायत को मद्देनजर रखते हुए नजामत करवाने वाला सबसे पहले पढ़ता है, तो मैं सदर साहब की इजाजत से चाहूंगी कि मैं भी कुछ इशार सुनाऊं। शुक्रिया। नजम का उन्वान है रोशनी। रोशनी की कोई सरहद नहीं, कोई मजहब नहीं, हवा का कोई जिस्म नहीं, कोई मुल्क नहीं, पानी का कोई रंग नहीं, रोशनी को कोई नाम ना दो, रोशनी को कोई नाम ना दो, हवा को कोई जिस्म ना दो, पानी को रंगी ना बनाओ, पानी में लहू ना मिलाओ। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, मुख्तसर नज़्म बेहतरीन, मुख्तसर और बहुत अच्छी, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब मैं आगे जिन शायर को दावत दूंगी वो मोहम्मद अदनान अली काशिफ साहब भारत से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आप 7 वर्ष से शायरी कर रहे हैं, उनका एक शेर है और उसी से उनको दावत दूंगी। उसकी रुख्सत का गम तो है लेकिन, उसकी रुख्सत का गम तो है लेकिन, घर में रहती भी लाडली कब तक। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सामईन, मैं डॉक्टर मोहम्मद अदनान अली काशिफ, मेरा तखल्लुस है और पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। मैं अपना सफर, शेरी सफर यहाँ से शुरू करता हूँ कि चेहरे पर चेहरा चिपकाना पड़ता है। वाह वाह, क्या कहने, चेहरा चिपकाना पड़ता है, दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है। वाह वाह वाह, चेहरा चिपकाना पड़ता है, दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है, इस दुनिया में अक्सर नाखुश होकर भी, इस दुनिया में अक्सर नाखुश होकर भी अपने आप को खुश दिखलाना पड़ता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह, शुक्रिया। जरूर नवाजीकर के, खुशियों के पल यूं ही कब मिल जाते हैं, खुशियों के पल यूं ही कब मिल जाते हैं, एक एक पल का मोल चुकाना पड़ता है, एक पल का मोल चुकाना पड़ता है। अच्छा अच्छा शेर, वाह शुक्रिया साहब। साहब गम का क्या है, राह चलते मिल जाते हैं, राह चलते मिल जाते हैं, पर खुशियों को ढूंढ के लाना पड़ता है, लाना पड़ता है खुशियों को। ये देखें शेर, मैंने कहा है ऐसे लोगों के लिए कि हाकिम की नजरों में रहने के खातिर, हाकिम की नजरों में रहने की खातिर अक्सर दिन को रात बताना पड़ता है, अक्सर दिन को रात बताना पड़ता है, रात बताना पड़ता है। और शायर बनना इतना भी आसान नहीं, शायर बनना इतना भी आसान नहीं, दर्दे दिल को दोस्त बनाना पड़ता है, दर्दे दिल को दोस्त बनाना पड़ता है। और चंद मुतफरिद अशार में हाजिर कर रहा हूं कि जब इलाज हर मर्ज कुरान में मौजूद है, तवज्जो चाहूंगा मैं कि जब इलाज हर मर्ज कुरान में मौजूद है, किस लिए कुरान फिर जुज़दान में मौजूद है,
कुरान फिर जुज़दान में मौजूद है और इसी शेर है कि मुझको उकसाता है घर जल्दी पहुंचने के लिए, मुझको उकसाता है घर जल्दी पहुंचने के लिए, एक खिलौना जो मेरे सामान में मौजूद है, सामान में मौजूद है, बहुत अल्लाह बहुत। और फिर देखिए कि पीने का लुत्फ ये है कि मैकश ही भूल जाए, पीने का लुत्फ ये है कि मैकश ही भूल जाए, साकी किधर है जाम किधर मैकदा किधर, साकी किधर है जाम किधर मैकदा किधर, बहुत। जात मजहब में और इलाकों में, जात मजहब में और इलाकों में आदमी बट गया है खानों में, आदमी बट गया है खानों में। और ये शेर देखें कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, बेशक तंदुरुस्ती हजार नेमत है, जाके देखो तो अस्पतालों में। मैं अपना शेरी सफर यहां से खत्म कर रहा हूं कि इन दो अशआर के साथ मैं रुखसत चाहूंगा कि एक चिराग अपनी चौखट पे क्या रख दिया, एक चिराग अपनी चौखट पे क्या रख दिया, तीरगी के लिए मसाला रख दिया। अस्सलाम क्या वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह, बहुत खूब अदनान साहब, बहुत अच्छी से माशाल्लाह, शुक्रिया। मलिक लुकमान शाह लाल साहब हैं हमारे अंदर, हमें नजर नहीं आ रहे, शायद वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ नहीं लाए, ये रेडमी के नाम से शायद कोई हो, ये रेडमी के नाम से कोई शायर है या लिसनर है, नहीं नजर नहीं आ, नहीं ये जो जिन्होंने टोपी पहनी हुई है लिखा तो होगा, मंजर शफीक उज़मी साहब भी नहीं आए। अच्छा हमारे अंदर वो अभी कुछ शायर तशरीफ नहीं लाए, जो मौजूद हैं हम उन्हीं से उन्हीं को दावत देते हैं कि वो पढ़ें इस वक्त। मैं आगे दावत देती हूँ उमर फरूक मलेरकोटला से, भारत से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। दो कुतब शायरी की और कई नसाब की कुतब शाया हो चुकी हैं, आप गज़ल कहने के साथ साथ अफसाने और अफसांचे और दिगर मजामीन भी लिखते हैं। मैं आपको दावत दूंगी कि वो हमें अपनी शायरी से महसूस करें। जी शुक्रिया। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ अशआर मुलाज़ा बनी हूँ, दिल में बताने दो उसको जो बातें, बताने दो उसको हकीकत पाने दो उसको, वाह वाह वाह, अच्छा शेर। दुखाता रहा वो मेरे दिल को हरदम, दुखाता वो मेरे दिल को हरदम, नदामत के आंसू बहाने दो उसको, जताओ ना एहसान करके किसी पर, जताओ ना के किसी पर, जताता है गर्व जताने दो उसको, मोहब्बत को वो आजमाता अगर है, मोहब्बत को वो आजमा अगर है, बड़े शौक से आजमाने दो उसको, वाह वाह। अलग होके खुद ही वो तन्हा लगेगा, अलग होके खुद ही वो तन्हा लगेगा, अलग अपने महफिल से अबस उससे उलझे हो फारूक तुम तो, अबस उससे उलझे हो फारूक तुम तो, निभाता है जैसी निभाने दो उसको, वाह वाह। जी ये गजल और समाप्त करवाएं जी। बैठे वो आके पास मगर मैं खड़ा रहा, बैठे वो आके पास मगर मैं खड़ा रहा, हो गए मगर मैं खड़ा रहा, वाह वाह। साथ ऐसे उसने बढ़ाया मेरी तरफ, सागर कुछ ऐसे उसने बढ़ाया मेरी तरफ, इतनी थी मुझको प्यास मगर मैं खड़ा रहा, वाह वाह। अच्छा शेर मुलाज़ा फरमाएं, रुखसत के वक्त उसकी भी आंखें थी सो गवार, रुखसत के वक्त आंखें थी सो गवार,
वो भी था दास मगर मैं खड़ा रहा। मगर बहुत वाह वाह वाह, क्या कहने। अगर मैं ढूंढने खुद मेरे शहर में जाता, ढूंढने खुद मेरे शहर में कितने थे हक शनास मगर मैं खड़ा रहा। वाह वाह वाह, क्या कहने। अच्छा अच्छा, तो सबकी हकीकत थी सामने। तो सबकी हकीकत थी सामने, मंजर थे बेलिबास मगर मैं खड़ा रहा। मैं खड़ा रहा, वाह 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 वाह, क्या कहने। मंजर थे बेलिबास मैं खड़ा। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, हक बात ये कि पलटने की खुद मुझे, हक बात ही के उसके पलटने की खुद मुझे कोई नहीं थी आस मगर मैं खड़ा रहा। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छा कलाम था आपका, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मलक मान साहब तशरीफ ला चुके हैं तो अब हम उन्हीं से पढ़वा लेते हैं, पहले वो थे नहीं। मलिक लुकमान शाह लाल साहब भारत से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आप 9 बरस से शायरी कर रहे हैं, आपकी एक किताब मंजरे आम पर आ चुकी है, आपका एक शेर है और इसी शेर के साथ सदर साहब की इजाज़त से उन्हें दावत कलाम दूंगी। तू जो नकारा समझती है मुझे ऐ दुनिया, तू जो नकारा समझती है मुझे ऐ दुनिया, डाल दूंगा तुझे एक रोज में हैरानी में। वाह वाह, क्या कहने। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जरा? जी आ रही है, दूर दूर तक आ रही। शर्मा सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ जी। अच्छा, और इन चार मित्रों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। जी जी, अता हो। इस नजर में जहान रहने दे, इस नजर में जहान रहने दे, हौसलों को जवान रहने दे। इस नजर में जहान रहने दे, हौसलों को जवान रहने दे, और रिश्ते नाते ये टूट जाएंगे, रिश्ते नाते ये टूट जाएंगे, अपनी हद में जवान रहने दे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर, दोबारा पढ़े दोबारा। इस नजर में जहान रहने दे, जवान रहने दे, रिश्ते नाते ये टूट जाएंगे, अपनी हद में जबान रहने दे। मतलब यह अर्थ क्या कि कल जो साए की तरह साथ था आसानी में, कल जो साए की तरह साथ था आसानी में, वो मुझे छोड़ गया आज परेशानी में। जो साए की तरह साथ था आसानी में, वो मुझे छोड़ गया आज परेशानी में। राज दुश्मन को बता देना कहीं डर है मुझे, राज दुश्मन को बता देना कहीं डर है मुझे, मुझे हर बात पता दी उसकी नादानी में। राज दुश्मन को बता देना कहीं डर मुझे, मैंने हर बात बता दी उसे नादानी में, शफाफ ज्यादा है मेरे दिल की, शफाफ वो ज्यादा है मेरे दिल की नदी, चांद साफ कर आओ कभी पानी में। वाह वाह, अच्छा अच्छा, कर आओ कभी पानी में, जो नाकारा समझती है मुझे, जो नाकारा समझती है मुझे, ऐ दुनिया डाल दूंगा एक रोज में हैरानी।
बहुत तो नाकारा समझती है मुझे। अरे डाल दूंगा एक रोज मैं हैरानी में फैसले ये जो भी हुआ करते हैं जो हुआ करते हैं मलिक अच्छा पढ़ रहा हूँ जो भी हुआ करते हैं उजलक में मलिक डाल देते हैं नस्बत में परेशानी में जो भी हुआ करते हैं उजलक में मलिक डाल देते हैं मुसीबत में परेशानी में अच्छे के जब जब मोहब्बत में जान पड़ती है जान पड़ती है तो मुसीबत भी आन पड़ती है जान पड़ती है जी तो, ये पहली दफा सुना है क्या बात वाह वाह बहुत खूब हमें भी पता चल गया आपने दुनिया को हैरान कर दिया जी जी बिल्कुल वही कह रहे हैं कि हमें भी पता चल गया मोहब्बत भी आन पड़ती है इश्क की मार ऐसी होती है चोट भी पड़ती है वाह 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 वफा की कहानी सुनाने लगे है बस चार मतलब और फिर आपकी रहमत है तमाम वफा की कहानी सुनाने लगे है मुझे अपना साथी बनाने लगे है वफा की कहानी सुनाने लगे है मुझे अपना साथी बनाने लगे है और तेरा नाम लेकर तेरा जिक्र करके मेरे यार मुझको सताने लगे है बहुत शुक्रिया बहुत खूब वाह बहुत खूब लखमान साहब क्या अब मैं अगले शायर को दावत देना चाहूँगी सबीहा सदर साहबा भोपाल भारत से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं 25 बरस से शायरी कर रही हैं 3 कुतुब मंजरियाम पर आ चुकी हैं अभी तक और आपको कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है एक शेर है आपका उसी से आपको दावत कलाम दूंगी मुझको हर बात पे आईना दिखाने वालों मुझको हर बात पे आईना दिखाने वालों सच कहो आईना कब से नहीं देखा तुमने वाह वाह क्या कहने सभी को मेरा सलाम पेश कर जी जी क्या दावत सदर मुहतरम से इजाजत चाहती हूँ रुबाया जी रुबाया तेरी खिदमत में पी फातिमा की आंख का तारा है दूसरे फातिमा की आंख का तारा है हुसैन और साथ ये कौसर का सरापा है हुसैन और साथ ये कौसर का सरापा है हुसैन है तृष्णगी खुद कर्म से पानी पानी है तृष्णगी खुद कर्म से पानी पानी तुम ये न समझ लेना कि प्यासा है हुसैन समझ प्यासा बहुत शुक्रिया के दो तीन शेर सुनाती हूँ एक मतलब दो तीन शेर के राह मुश्किल थी पर रुकने का इरादा न किया राह मुश्किल थी पर रुकने का इरादा न किया खुद ही चलते रहे गैरों को सहारा न किया खुद ही चलते रहे गैरों को सहारा न किया तेरे इल्जाम तो संगीन बहुत थे लेकिन तेरे इल्जाम तो संगीन बहुत थे लेकिन हम नहीं करके तारुफ को गवारा न किया तारुफ को गवारा न किया रक्त ऐसा रहा दरिया तेरी तुगयानी से रक्त ऐसा रहा दरिया तेरी तुगयानी से कितने तूफान उठे हमने किनारा न किया बहुत अच्छा किनारा न किया बहुत शुक्रिया एक अगर के दो पीछे और पेश करती हम उन्हें दिल नहीं ईमान में रखे हुए हैं हम उन्हें दिल नहीं ईमान में रखे हुए हैं सब्र के फूल हैं गुलदान में रखे हुए वाह 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 सब्र के फूल हैं गुलदान में रखे हुए हैं हमको पढ़ने में अधिक वक्त लगेगा तुमको
हमको पढ़ने में अभी वक्त लगेगा, तुमको हम अभी वक्त के जुस्तान में रखे हुए हैं, रखे हुए हैं। अच्छा, और दरमियाँ ऊंची हुई जाती है दीवारे अना, दरमियाँ ऊंची हुई जाती है दीवारे अना, फिर भी कुछ है इसे इंसान में रखे हुए हैं, इंसान में रखे हुए और फैसला देने में उजलत ना भी कर मुंसिफ, फैसला देने में उजलत ना भी कर मुंसिफ, कुछ ताल्लुक अभी मीजान में रखे हुए हैं, मीजान में रखे हुए हैं, गाहे गाहे मेरे जख्मों पे छिड़कने के लिए, गाहे गाहे मेरे जख्मों पे छिड़कने के लिए, कुछ नमक आप नमकदान में रखे हुए हैं, आप नमकदान में रखे हुए हैं। और एक बहुत ही छोटी सी नज़्म है सिन्फ़ नाज़िम के हवाले से, मुझे पेश करके फिर इजाजत चाहती हूँ। मैं औरत हूँ, सुना है औरतों को सिन्फ़ नाज़ुक से यहाँ मंसूब करते हैं, मैं औरत हूँ, सुना है औरतों को सिन्फ़ नाज़ुक से यहाँ मंसूब करते हैं, गलत करते हैं कि हम पैदाइशी मजदूर बनकर जन्म लेती हैं, कि हम पैदाइशी मजदूर बनकर जन्म लेती हैं, कभी बेटी कभी बहना कभी बीवी कभी अम्मा, ये साइड है हमारे काम करने, कभी बहना कभी बीवी कभी अम्मा, ये साइट है हमारे काम करने की, इन्हीं पर काम करते करते ये जीवन गुजरता है, हमारे काम के घंटे हमारे काम की उजरत कभी भी तय नहीं होती, ठेके पर जरा सी खुशगुमानी पर किसी की कुछ बयानी पर बिना उजरत दिए दिन रात बस हम काम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अब मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। और उर्दू दोस्तों की एक ऐसी दुनिया उन्होंने आबाद की जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती, सिर्फ लफ्ज़ों का आहंग ही नहीं बल्कि शायर की शख्सियत भी दिल और निगाह की तमाम रोशनियों का मरकज बन चुकी है। शायरी आपके वजूद पर हावी है। जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर इसहाक सादिक साहब, अबाई वतन पाकिस्तान हैं, आप नौवीं जमात से शायरी लिख रहे हैं, आपके अमेरिका यूरोप पाकिस्तान इंडिया में अहम जराइद शाया होते रहते हैं। पाकिस्तान 5 मजमुआ कलाम उतरे यहाँ पर आ चुके हैं, 2 कुतब गीतों की और अदबी मजला समंदर इंटरनेशनल के चीफ एडिटर हैं, आलमी पीस अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। इनकी शख्सियत के इस शख्सियत के हजूर चलेंगे जो अपने उम्दा तरनम में अपनी आला शायरी से हमें महसूस करेंगे। मैं डॉक्टर इसहाक सादिक साहब को दावत दूंगी कि वो अपना कलाम पेश करें। जी शुक्रिया और मोहतरमा सदर साहब की इजाजत से। सुराग दर्द नहीं आदमी किधर जाए, कोई बताए कि ये अजनबी किधर जाए, सुना है नूर के गम में चराग जलते हैं, सुना है नूर के गम में चराग जलते हैं, खुशी की खोज में अब रोशनी किधर आए। यहाँ तक तो कोई खतरा फरेब नहीं, यहाँ तक तो कोई खतरा फरेब नहीं, ना जाने मोड़ के आगे
गली किधर जाए। बहुत बहुत तलाश कोई खतराए फरेब नहीं, ना जाने मोड़ के आगे गली किधर जाए। और इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा, कोई तो मुल्क आदम का पता टिकाना हो, कोई तो मुल्क आदम का पता टिकाना हो, के छोड़ कर ये नगर जिंदगी किधर जाए। जी शुक्रिया। कोई तो मुल्क आदम का पता ठिकाना हो, के छोड़ कर ये नगर जिंदगी किधर जाए। मकाम कल्ब जिगर यूं तो देखे बाले, मकाम कल्ब जिगर यूं तो देखे बाले, ना जाने ले मेरी आशिकी किधर जाए। आशिकी किधर जाए, जहाँ पे खत्म है सब इंतकाम दरिया का, जहाँ पे खत्म है सब इंतकाम दरिया का, कोई बताए कि अब ये जिंदगी किधर जाए। जी शुक्रिया। जो घर के आब हो मंजिल उसे मिले कैसे, जो घर के आब हो मंजिल उसे मिले कैसे, तलाश शहर में साजिद नदी किधर जाए। तलाश शहर में साजिद नदी किधर जाए। अगर सदर साहब इजाजत दें तो गीत भी पेश कर दूं। लगते हैं जी 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 शुक्रिया। मैं इस जो गीत पेश कर रहा हूं, इससे पहले मैं हमेशा पेश करता हूं, एक कथा पेश करता हूं कि राज़-ए-दिल तुमको बताना है करीब आ जाओ, राज़-ए-दिल तुमको बताना है करीब आ जाओ, अपना एक गीत सुनाना है करीब आ जाओ, और रंग रंग फूलों से तो कलियों से तबस्सम लेकर तुमको एक बार सजाना है करीब आ जाओ। गीत पेश करता हूँ आप सब की नजर मोहतरमा सदर साहब की इजाजत से। खेल चुके तुम खेल पुराना, खेल चुके तुम खेल पुराना, खत्म करो अब ये अफसाना, बंद करो ख्वाबों में आना। खेल चुके तुम खेल पुराना, उम्मीद नहीं है में अब दीद नहीं है, मिलने की उम्मीद नहीं है, किस्मत में अब दीद नहीं है, फिर क्यों झूठी आस लगी है, क्यों सच्ची हर बात लगी है, छोड़ो भी दिल को तड़पाना, बंद करो ख्वाबों में आना, खेल तुम खेल पुराना, बंद करो ख्वाबों में आना। अब के तुम क्या दूर हुए हो, मिलने से मजबूर हुए हो,
हमको यूं ही बहलाते हो, देखें अब के कब आते हो। और न ढूंढो कोई बहाना, बंद करो ख्वाबों में आना। खेल चुके सजती है फिर कोई महफिल, सजती है फिर कोई महफिल, याद तुझे फिर करता है दिल। हर मंजर दिल को बहाता है होश मगर जब आ जाता है हो जाता है जाना, बंद करो ख्वाबों में आना। खेल चुके तुम के दुराना। शुक्रिया, बहुत अच्छा जी। को आगे बढ़ाएं मरिया से। अब मैं अगले शायर जी जी अब मुनव्वर कंडे साहब बरतानिया से तशरीफ रखते हैं। मुनव्वर साहब अपनी मिसाल हैं, इल्म व दानिश से सजी हुई ये शख्सियत आपकी समातों के रास्ते आपके दिल तक पहुंच जाएंगे। आपकी शायरी का नुमाइंदा नाम है 17 मजमूआ कलाम मंजरे आम पर आ चुके हैं। 12 कलाम उर्दू, एक किताब इंग्लिश माशाल्लाह, दो किताबें होम्योपैथी की हैं। आपका आपको एक शेर के साथ उन्हीं का शेर है और वो दाव कलाम की मोहब्बत का इशारा देखना है, मोहब्बत का इशारा देखना है मुझे, दिल दोबारा देखना है। वाह वाह वाह। इनकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी। दो उन्होंने कहा था, वो दो जो हैं वो होम्योपैथिक की जो किताबें हैं नुस्खों की हैं। खूब जी माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने दाव के कलाम दी है यार, भी पेश किया है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मोहतरमा सदीक साहब आपकी इजाजत से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जी इरशाद, शुक्रिया आपका। अर्ज किया है, बिला शरीक के सफर तय, बिला शरीक के सफर तय, ये सफर कैसे हो। बिला शरीक के सफर तय, ये सफर कैसे हो। मेरे खुदा ये मेरी उम्र बसर कैसे हो। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हो। तो नाबे खैमे की ये शब उखड़ती ही नहीं, तो नाबे खैमे की ये शब उखड़ती ही नहीं, जब ऐसी जुल्मत शब है तो सहर कैसे हो। वाह वाह वाह, फिजा में जहर घुला है जो बुक्स व नफरत का, फिजा में जहर घुला है जो बुक्स व नफरत का, दिलों से दूर फसाद का डर कैसे हो। तेरे शहर के जब जुल्म व सितम, देखे जब सितम तो अपने शहर में फिर कोई डर कैसे हो। कैसे हो। लिहाज और नपासी अदब, लिहाज रिश्ता किसी को है और नपासी अदब, तो फिर ये अपना मकान प्यार का घर कैसे हो। कैसे हो। बहुत हमारे ख्वाब भी लगते हैं खासदार उन्हें, हमारे ख्वाब भी लगते हैं खासदार उन्हें, तुम के ख्वाबों में फिर अपना गुजर कैसे हो। उनके खाब में फिर अपना गुजर कैसे हो। मुनव्वर
वो खत अजब जहां खुलो नौबर उनको लिखो खत नजब जहां खुलो तुम्हारे दिल में है क्या उनको खबर कैसी वाह 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 एक और गजल पेश कर देता हूँ मोहतरमा सलीम साहब की इजाजत के साथ जी जी जरूर शुक्रिया ना हम वतन कोई अपना न ये जहाँ अपना ना हम वतन कोई अपना न ये जहाँ अपना रही जमीन ही अपनी ना आसमां अपना मेरी मेरी तलाश की देदार आ गया तुझ तक मेरी तलाश की देदार आ गया तुझ तक अगरचे छोड़ा नहीं तूने कुछ निशान अपना मैं कायनात के कैसे अजीब देश में हूँ मैं कायनात के कैसे अजीब देश में हूँ जहाँ अदू कोई अपना मेहरबान अपना न जाने अहले वतन क्यों ये मुझसे कहते हैं न जाने अहले वतन क्यों ये मुझसे कहते हैं न बुए गुल ही मेरी है अपना अपना हमारे प्यार पे कब्जा जमाए बैठा है हमारे प्यार पे कब्जा जमाए बैठा है जिसे बनाया मोहब्बत का रास्ता क्या कहने जी बड़े हमारे प्यार पे कब्जा जमाए बैठा है जिसे बना तलाश में है मेरी ताक के कत्ल कर दे मुझे तलाश में है मेरी ताक के कत्ल कर दे मुझे वो मेरे दिल का मकी मेरा मेहमान अपना बहुत खूब शुक्रिया और मकतज करता हूँ मैं हाल दिल मुनव्वर कहूँ तो किससे कहूँ मैं हाल दिल मुनव्वर कहूँ तो किससे कहूँ न हम सुखन है कोई और न हम सुबह अपना क्या कहने डॉक्टर साहब बहुत शायर आगे बढ़ाइए मारिए ये जो कुछ लोग रह गए थे उनमें ये शेर यार लिखा हुआ जिनका वो तो नहीं कोई उनमें पूछ ले फिर अफशीन शेर यार सुनने वाली है तहरीक लगवा जी मैं सुनने वाली उर्दू ये हमारी साथ है जी शुक्रिया वेलकम वेलकम जी फिर मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं सबीहा सबक साहबा आपकी आवाज कट जाती है उनका तारफ कुछ समझ नहीं आया यूनिवर्सिटी के इश्तराक से इतराफ कमाल और गोल मिला है इनको इसके अलावा वो मुतद अदबी अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं आपकी वेबसाइट उर्दू मंजिल और चैनल भी है यूट्यूब चैनल भी है मैं सबीहा सबा साहबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमें अपने कलाम से नवाजें बहुत शुक्रिया जी जरूर इरशाद ये जो मजलूम है खूंखार भी हो सकते हैं हम पाबंद नहीं हम तेरे नाम से बेजार भी हो सकते हैं हम तेरे नाम से बेजार भी हो सकते हैं
अंधेरा ये जरूरी तो नहीं, अंदर में अंधेरा ये जरूरी तो नहीं, गफलत से परेशान भी हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं, ख्वाबे गफलत से वो बेदार भी हो सकते हैं, और किसी मजलूम के झुलसे हुए चेहरे की तरह, किसी मजलूम के झुलसे हुए चेहरे की तरह किसी और के रुखसार भी हो सकते हैं। मेरे शहरों में कयामत सी मचाने वाले, मेरे घर में कयामत सी मचाने वाले, हाथ बांधे पसे दीवार भी हो सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा, खूबसूरत शेर, वाह वाह। बांधे पसे दीवार भी हो सकते हैं, वाह वाह। आज बेवकूफ तो बेदर हैं परेशान से लोग, आज बेवकूफ तो बेजान, आज बेवकूफ तो बेदर हैं परेशान से लोग, कल यही वक्त वाह वाह वाह। रेशम नहीं तलवार भी हो सकते हैं, मजलूम है खूंखार भी हो सकते हैं, जहर उंडेला जाता है, जहर उंडेला जाता है, इंसानों के खून से खेला जाता है, बहुत जहर उंडेला जाता है, इंसानों के खून से खेला जाता है, अपनी सोच से काम न लेने वालों को, अपनी काम न लेने वालों को पस्ती में कुछ और धकेला जाता है। लोग जरा सी हमदर्दी कर जाते हैं, कर्म तो अपनी जात पे झेला जाता है। क्या कहने, हमदर्दी कर जाते हैं, कर्म तो अपनी जात पे झेला जाता है, और अपनी मंजिल पर कब नजरें उनकी हैं, अपनी मंजिल पर कब नजरें उनकी हैं, चल पड़ते हैं जिधर को रेला जाता है। बहुत अच्छा, चल पड़ते हैं जिधर को रेला जाता है। वाह, शहरों वाले खूब तरक्की करते हैं, कुचला इसमें जंगल बेला जाता है, शहर उंडेला जाता है, इंसानों खून से खेला जाता है। अगर आप ज्यादा जी 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 दिल में खामोश सा बैठा है खजानों, दिल में खामोश सा बैठा है खजानों की तरह, गूंजता है कोई माबत में अजानों की तरह। खामोश सा बैठा है खजानों की तरह, गूंजता है माबत में अजानों की तरह। उगाकर उसे पकने के लिए, खैर की फसल उगाकर उसे पकने के लिए, एक तवक्कल पे मैं छोड़ू हूँ किसानों की तरह। वाह 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 वाह, क्या कहने, खैर की फसल उगाकर उसे पकने के लिए, एक तवक्कल पे मैं छोड़ू हूँ किसानों की तरह। सोचा ही नहीं था मेरे प्यारे, तुम गुजर जाओगे चुपके से जमानों की तरह। वाह 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 वाह, कहने प्यारे लोगो, तुम गुजर जाओगे चुपके से जमानों की तरह। वाह वाह वाह, इस पे हर तरह के मौसम का असर होता है, एक जहां दिल में है आबाद जहानों की तरह। वाह 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 वाह, जहानों की तरह, जानों की तरह, गूंजता है कोई माबद में अजानों की तरह। बहुत खूबसूरत शायरी सुनने को मिली। वाह वाह, बहुत अलग, बहुत बहुत अच्छा। सगीर साहब, मैं
एक मिनट, वो कुछ कह रही थी सबा सबा। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि सुहेल जाफरी साहब भी यहाँ सामने की हैसियत से मेरे पास बैठे हुए हैं, तो वो शायर हैं। जी जी, वो माशाल्लाह वो तो बड़े अजीम इंसान है, क्यों नहीं सदर साहब से जल्द ले ले अपना मारिया और उनको दावत दे कलाम दें। जी बिल्कुल जी, उनकी उनकी बड़ी खिदमत है उधर और पूरी दुनिया में उनका नाम है बड़ा। तभी आता है, हम दोनों ने मिलके काफी काम तो। जी जी बड़ा, वो सदर साहब के बगैर तो मैं तो नामुकम्मल है। जी सदर साहब की इजाजत से मैं साहब को इजाजत दूं, इजाजत चाहूंगी। जी जी बिल्कुल, हम बड़े शौक से सुनेंगे इरशाद। पछतावे के जहर को पीना पड़ता है। वाह 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 वाह, पछतावे के जहर को पीने रखता हूँ, पछतावे के जहर को पीने रखता हूँ, यादों के जख्मों को सीने रखता हूँ। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, रखता हूँ यादों के जख्मों को सीने रखता हूँ, लोगों की बर्बादी पर लोगों की बर्बादी पर थोड़ी सी उम्मीद पे जीने रखता हूँ। देखिए कि वक्त के तेवर बदल कर रह गए, तेवर बदल कर रह गए, हम भी अपने हाथ मल कर रह गए। हम भी अपने हाथ मल कर रह गए और हमने देखा ही नहीं वो फासला, देखा ही नहीं वो फासला, इतने ज्यादा दिल बदल कर रह गए। लहरें जान लेने को बस, लहरें हैं जान लेने को बस, जाने हम कैसे संभल कर रह गए। और है मोहब्बत में ये पूरियां, है मोहब्बत में ये कैसी पूरियां, हम तो बस कुछ दूर चल कर रह गए। इस जमाने के हैं गम चारों तरफ, वाह के हैं गम चारों तरफ, मेरे शेरों में जो ढल कर रह गए। बहुत फिफ्टीज में हम तरनों से पढ़ते थे, तो देखिए कि हंसी यादों से रोशन हम शबे तनहाई रखते हैं, हंसी यादों से रोशन हम शबे तनहाई रखते हैं, हसीरे जुल्मत शब है मगर बीनाई रखते हैं। वाह 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 वाह, शबे तनहाई रखते हैं, असीरे जुल्मत शब है मगर बीनाई रखते हैं। वाह वाह, आई में भी तनहा बड़ी मुश्किल से होता हूँ, मैं तन्हाई में भी तन्हा बड़ी मुश्किल से होता हूँ, ये सन्नाटे बला की कुवत को आई रखते हैं। तन्हाई में भी तन्हा बड़ी मुश्किल से होता हूँ, ये सन्नाटे बला की कुवत को आई रखते हैं। और इसे चमन की खुशनुमाई में है नजरें गुल फरोशों पर, नुमाई में है नजरे गुल पर, हमारा जुर्म बस ये है कि हम पीनाई रखते हैं। बहुत अच्छा, पर हमारा जुर्म बस ये है कि हम पीनाई रखते हैं। और चार और देखिए कि चेहरा तेरा तो ख्वाब की ताबीर हो गया, चेहरा तेरा तो ख्वाब की ताबीर हो गया, हैरत में आके मैं कोई तस्वीर हो गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, की ताबीर हो गया, हैरत में आके मैं कोई तस्वीर हो गया, और सारे हुनर तेरे नाम है, जैसे सारे हुनर तेरे नाम है, ये दिल नाम की तफसीर हो गया। वाह वाह वाह,
बहुत अच्छा। मुझको नई जिंदगी मिली, तो मुझको नई जिंदगी मिली, बिखरा हुआ तामीर हो गया, बिखरा हुआ। वाह बहुत शुक्रिया, सही सगीर में जा उर्दू में शुक्रिया। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारी महफिल में मौजूद थे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मुशायरे को आगे बढ़ाऊंगी और मुशायरा अपने अख्ताम पे पहुंच चुका है और आखिर पे मैं सदर साहबा को दावत कलाम दूंगी कि वो अपना कलाम सुनाएं। डॉक्टर फजीलत बंगाना साहबा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे खुशी भी बहुत हुई है आप सब लोगों से मिल के, बहुत अच्छे अशार सुनाए गए, बड़ी अच्छी गजलें, इतना कलाम सुनने को मिला, ख़ास तौर पर चेहरे पे चेहरा जब गाना पड़ता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गजल लगी उनकी माशाल्लाह। और जो उन्होंने कहा कि खुशियों को ढूंढ के लाना पड़ता है, बड़ा अच्छा मिस्सा है और हकीकत, बहुत शुक्रिया। उमर फारूक साहब का कलाम बहुत अच्छा था, लुकमान साहब ने बड़ी अच्छी, सबिया साहबा ने, और हमेशा की तरह साजिद इसाक साजिद साहब का कलाम रन्नम के साथ सुनने को मिला। और मैं वैसे भी आपको सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, नेट खोल के गूगल पे आपको पढ़ती रहती हूँ। सबिया साहब बहुत माशाल्लाह सबका बहुत अच्छा मुझे लगा। अब आप लोगों की इजाज़त से मैं एक गजल पेश करती हूँ। रास्तों को खून उगलता देखना और सोचना। वाह वाह क्या मिश्रा है, क्या बात, वाह क्या मिश्रा फरमाए, वाह 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 वाह। रास्तों को खून उगलता देखना और सोचना, सोचना बन गया इंसान तमाशा देखना और सोचना। वाह 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 बहुत खूबसूरत है, वाह वाह। इंसान तमाशा देखना और सोचना, वाह। आईने में एक चेहरा, आईने में एक चेहरा देखना और सोचना। वाह। आईने में एक चेहरा देखना और सोचना, कौन है ये लम्हा लम्हा देखना और सोचना। वाह 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 क्या कहने, वाह वाह क्या कहने भाई, वाह वाह। चार सू कांटों सजाओं आंधियों का जोड़ तोड़, चार सू कांटों खजाओं आंधियों का जोड़ तोड़, फिर भी कलियों को महकता देखना। चार सौ कांटों खजाओं आंधियों का जोड़ तोड़, फिर भी कलियों को महकता देखना और सोचना। लाजवाब। एक चिड़िया चंद बच्चे पेड़ के बिजलियां, एक चिड़िया चंद बच्चे पेड़ तिनके बिजलियां, एक घर माशाल्लाह देखना माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। एक चिड़िया चंद बच्चे पेड़ तिनके बिजलियां, एक घर को यूं उजड़ता देखना और सोचना। क्यों भटकती हैं खलाओं में निगाहें रात दिन, क्यों भटकती हैं खलाओं में निगाहें रात दिन, तुम कभी माँ का बिछड़ना देखना। क्या बात है, वाह 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 वाह, दोबारा शेर पढ़ें, दोबारा पढ़ें डॉक्टर साहब, बहुत। क्यों भटकती हैं खलाओं में निगाहें रात दिन, क्यों भटकती हैं खलाओं में निगाहें रात दिन, तुम कभी माँ का बिछड़ना देखना और सोचना। वाह। अपनी अपनी जात के जंगल में सब सहमे हुए, अपनी जात के जंगल में सब सहमे हुए, आज के इंसान को तन्हा देखना और सोचना। बहुत अच्छा, क्या इस कदर मुफलिस के अपनी राय ही कोई नहीं,
इस कदर मुफ़्तिस के अपनी राय ही कोई नहीं, हर सदा पर हाथ ऊंचा देखना और सोचना। वाह 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 वाह, क्या बात है, हर से ऊंचा देखना और सोचना, क्या कहना। किस तरह है टूट जाते साअतों के सिलसिले, किस तरह है टूट जाते साअतों के सिलसिले, जब कभी कोई जनाजा देखना और सोचना। क्या मंदिर, मंदिर कैसी किया, वाह वाह वाह। किस तरह है टूट जाते साअतों के सिलसिले, जब कभी कोई जनाजा देखना तो सोचना। तीर आया और रगे जामे तराजू हो गया, तीर आया और रगे जामे हो गया, किसने फेंका एक शनासा देखना और सोचना। तीर आया और रगे जामे तराजू हो गया, किसने एक दावत आए वो मैदान, तेरे दुश्मन फिर बेटा देखना और तुझ। क्या बात, एक समाप्त। ये नए साल के लिए लिखी थी, अब आपके लिए पेश है। साल की आज साल की पहली सुबह थी, कुछ रोशन सी कुछ धुंधली थी, ये सोच के मैं भी उठ बैठी, ये साल नया जो आया है आज मैं भी खुशी मनाऊंगी और सबको पास बुलाऊंगी। आज मैं भी खुशी मनाऊंगी और सबको पास बुलाऊंगी, चांद से कहूंगी आ जाओ हर जा आज भी आ जाओ, चांद से कहूंगी आ जाओ हर जा आज भी छा जाओ, मेरी प्रेम कहानी में तुम सबसे पहले आते हो। वो धुंध में लिपटा सिमटा सा दूर कहीं से बोल उठा, तुम अपना प्रेम बदल डालो। वो धुंध में लिपटा सिमटा सा दूर कहीं से बोल उठा, तुम अपना प्रेम बदल डालो, अब मेरे आने जाने में कुछ होते हैं दुश्वार बहुत, मैं नदिया का अब चांद नहीं, तेरी कश्ती में सौराख बहुत, कुछ लहरों का भी साथ नहीं और ढीले हैं पतवार बहुत। जब कोहर छूटी तो सूरज भी जो होता था रंगीन बहुत, आज वो भी था गमगीन बहुत, मैं समझ गई जान गई हालात हैं अब संगीन बहुत, फिर मैंने भी फिर मैंने भी ये सोच लिया, मैं शाम को तारों से मिलकर एक महफिल और सजाऊंगी, हाथों में पहनूंगी गजरे जूड़े में फूल लगाऊंगी। बहुत अच्छी। आकाश से तारे उतरेंगे और मैं भी गुनगुनाऊंगी, ऐ साले नौ तेरे आने की फिर मैं भी खुशी मनाऊंगी। जब शाम हुई तो कोहर ने फिर चादर अपनी तान ली, ना तारे ही उतरे आंगन में ना चांद ने ही प्रणाम किया, मैं बैठी प्रणाम किया। जब शाम हुई तो कोहर ने फिर चादर अपनी तान ली, ना तारे उतरे आंगन में ना चांद ने ही प्रणाम किया, मैं बैठी रह गई खिड़की में और फूल भी सारे सूख गए, मन मसला रह गया। मैं बैठी रह गई खिड़की में और फूल भी सारे सूख गए मन मसला रह गया और भूल सारे संगीत गए, ऐसा ले नौ तेरे आने के यूं लम्हे सारे बीत गए। चांद सुबह बोल दो। बहुत शुक्रिया आप सभी।
आपका बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मारिया अब खत्म करेगी। जी जी, अब मुशायरा इख्तिताम को जी मैं जल्दी से इख्तिताम कर देती हूँ। मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। आप सबका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का और ये पुरलुत्फ महफिल में शामिल होने का। ये शर्फ हासिल हुआ मुझे और मेरे लिए ये एजाज की बात है। उम्मीद है दोबारा भी आपके साथ मिल बैठने का शर्फ मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ खूबसूरत बज़्म मुशायरा इख्तिताम पज़ीर होता है। आप सबका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। सजाती रहिए, इंशाल्लाह हम लोग आते रहें। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपको सुनने को। जी जी।